हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज सेट थ्योरी। रीजन बिहाइंड दिस इज वी कैन नॉट डू एनी चैप्टर विदाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी, बिकॉज इन एवरी चैप्टर basic concepts of sets theories used. So first we start set. First of all we define what do you mean by set. Okay, set, a well defined collection of objects is called set. As you know, what do you mean by collection of objects? Collections means group of objects. Clear? But what do you mean by well defined? Well defined का क्या मतलब होता है? Well defined means this. Only those collections are said to be well defined, for which we can tell which member belong to the collection and which member does not belong to the collection easily. There is no confusion if someone asks you this member belong to the collection or not. Clear? एक बार फिर देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्लियर। मैंने आपको वेल डिफाइंड का मतलब यह बताया है कि वेल डिफाइंड मीन्स वो collections, वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम ये बता सकें कि आसानी से बगैर किसी एजिटेशन के कि इसमें जो ना कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी कलेक्शन को हम क्या है सेट बोलते हैं। नाउ नॉर्मली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। It is not hard and fast rule. They may be represented by any other notations. But normally, in starting, they are represented by the capital letters of English language ABC. Now, आपको definition, आपको more examples देंगे तो उसे और more clear हो जाएगा। एक बार फिर repeat कर देंगे। पहले first example आप बताइएगा। हम आपको बताते हैं इसके अंदर कि कौन सी जो ना collections जो है ना वो well defined है और कौन सी well defined है नहीं, वो कैसे पता, वो आपको डेफिनेशन जो है ना एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब प्राइम नंबर्स आप लोग सब जानते ही हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली एंड लेस देन 10। तो दीज इन दिस कलेक्शन ओनली 2, 3, 5, 7, only these four members, four elements, four numbers belongs to this collection. No anymore. If someone asks to, or if we represent it by capital A, see, naam rakh diya aapne iska capital A. If someone asks to you, two belongs to collection A. तो आप बता सकते हैं ए कलेक्शन ये डिफाइंड है तो टू इसका नंबर होगा, प्लस टू इज ए प्राइम नंबर एंड लेस देन 10। इफ समवन आस्क्स यू वन इज बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन तो आप बता सकते हैं नहीं होगा वन इसके अंदर, बिकॉज आप इसके अंदर तो ओनली ये एलिमेंट्स। इफ समवन आस्क्स यू ए अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेट्स इंग्लिश लैंग्वेज तो वो इसके अंदर बिलोंग करता है तो वो भी नहीं करता, इसमें ओनली नंबर्स है। तो मीन्स दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, एवरी वन इजीली कैन टेल कि विच मेंबर बिलोंग्स टू दिस और विच आर नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो और मोर एग्जांपल्स लेंगे तो वहां पे कुछ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस भी आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। नाउ कैम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल।
अब देखिए गुड टीचर्स ऑफ यूअर स्कूल, अब किसी के अकॉर्डिंग गुड टीचर कोई होता है, किसी के अकॉर्डिंग गुड टीचर कोई होता है। हर किसी के लिए मैं गुड नहीं हूं, और कोई अदर टीचर अगर स्कूल में प्रेजेंट है तो वो हर किसी के लिए गुड नहीं है। किसी के लिए कोई, हाँ वो एक ऑब्जर्वेशन रूटीन यूज करते हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है किसी के लिए। तो ध्यान रहे, सेट को हम ऐसे बोल सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन ओपिनियन ऑफ द पर्सन, which does not depend on the opinion of the person. In fact, that collections which remain same for every person, only that those collections are said to be set. तो आप देखेंगे तो good teachers की collections हैं, उसके किसी के according उसके अंदर राम, मान लीजिएगा राम नाम का अगर कोई teacher है तो किसके according उस collection में belong करेगा, किसके according नहीं करेगा। तो हर पर्सन के लिए जो है ना ये सेम नहीं रहेगी, ये पर्सन की ओपिनियन पे डिपेंड करती है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन तो है बट दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड बिकॉज दिस नॉट रिमेन सेम फॉर एवरी पर्सन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आप जानते हैं जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, जो पूरे पूरे होते हैं, जो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होते, डेसिमल्स वगैरह में नहीं होते। और पॉजिटिव तो मीन 1, 2, 3, और इवन तो उसमें आप इवन भी जानते हैं, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इन फैक्ट इन दिस कलेक्शन देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अनेक एलिमेंट है इसमें, परंतु फिर भी हम इसमें ये बता सकते हैं कि विच एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन विच इज नॉट। जैसे अगर आपसे कोई पूछता 3 बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, तो 3 इसके अंदर नहीं बिकॉज दैट इज नॉट अ नंबर। -2 इसके अंदर नहीं बिकॉज नेगेटिव है, तो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली, हर ओनली वन। अगर आपसे कोई पूछता इसके अंदर 500 है, यस, तो नाउ दिस कलेक्शन इज रिमेनिंग द सेम फॉर एवरी पर्सन, बट इन फैक्ट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओपिनियन ऑफ द पर्सन। So therefore, it is a well-defined collection. So it is also a set. Now come to the next example. A collection of 10 most talented writers of India. This is also not a set because talent की कोई definition नहीं है। अब किसी के according मुंशी प्रेमचंद talented है, किसी के according नहीं है। तो टैलेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई बुक के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसको टैलेंटेड राइटर बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट ए कलेक्शन, दिस इज नॉट, दिस कलेक्शन इज आल्सो नॉट ए वेल डिफाइंड, दिस डिपेंड अपॉन द ओपिनियन ऑफ द पर्संस, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट। नाउ बट एक बात ध्यान रखना, अगर कोई यहां पे आपको ऐसे लिख दिया जाए कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट According to ICC, तो अब इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गया, तो वो अब वेल डिफाइंड हो जाएगा। हालांकि मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ICC, तो ICC की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, मान लिया हम करंटली की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग लिस्ट होती है, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो एक ग्रुप की ओपिनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन है। नाउ उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये यूज कैसे हुआ है, उसकी सेंस निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ओपिनियन ना एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन पे ना डिपेंड नहीं करनी चाहिए, जो हर पर्सन के लिए सेम रहेगी उन्हीं को सेट बोलते हैं। नाउ दिस डिपेंड अपॉन ए पर्टिकुलर पर्सन, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए set. Now, come to the next example. A collection of all rivers of India. ये भी set है. Collections of all rivers of India. तो उसके अंदर कोई पूछता आपसे यमुना है, गंगा है, yes, they are present. और कोई आप उससे उसके अंदर कोई और river का नाम पूछे तो वो हमारे knowledge पे depend करता है. But this does not change. This remains same for every person. Therefore, this is also a well-defined collection. Now, come to the next example. A collection of all objects
ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. ऑब्वियसली जैसे अगर हम मान लीजिएगा दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब आपके सामने जो भी टेबल है उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मे बी बुक्स है उसके ऊपर, या उसके ऊपर कोई भी मान लीजिएगा पेन है, या उसके ऊपर कोई भी मान लीजिएगा प्लेट है, कप है, कुछ भी, तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट टेबल पर उनका कलेक्शन कर लो, उनके नाम रख दो उसके अंदर, वो कलेक्शन बन जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड फॉर ए टाइम. और इस एग्जाम्पल से मेरे बात और भी क्लियर होता है. ये मत सोचना कि एक कलेक्शन के अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं. जैसे इसमें सारे के सारे आपके नंबर्स हैं, इसमें जैसे मान लीजिएगा सारे के सारे इसमें भी नंबर्स हैं, इसमें मान लीजिएगा आपका सारा नेम्स होता है रिवर्स का, या फिर इसमें देखो एक ही उसके अंदर आपके कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. जैसे इसमें ऑन द टेबल आपका पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, उसके ऊपर आपका कप भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ रखी हो सकती है टेबल के ऊपर. तो इसलिए कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. और एक बात और देखेंगे, जरूरी आप लोग सोच रहे हैं कि जो कलेक्शन उनके पास में कॉमन प्रॉपर्टी होता है, इट इज नॉट नेसेसरी. अगर समवन आस्क यू, जैसे आपको अगर पहले से जरूरी है 9th क्लास में पढ़ के आते हैं कलेक्शंस तो उन्हें पढ़ाया ना, तो कलेक्शंस को हमें से लिखते थे जनरली. अगर कोई उसमें से लिख दे 5 है, 11 है, 15 है, फिर उसने 16 लिख दिया, फिर 29 लिख दिया, अब इज नो रिलेशन इन दिस नंबर्स इन बिटवीन. जैसे आप लोग सोचे कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती, कोई ना कोई लॉ होता, कोई जरूरी नहीं है. अब जैसे इसके अंदर कोई लॉ नहीं है, लेकिन जैसे मैं ऐसे लिखता 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, दे लिस्टेड अकॉर्डिंग टू ए फिक्स लॉ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, बट हियर देयर इज नो लॉ. दिस इज ऑल्सो सेड इट इज नॉट नेसेसरी. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई लॉ होना जरूरी है उसके अंदर. और इनफैक्ट जो सेट के एलिमेंट्स हैं खुद सेट भी हो सकते हैं सेल्फ. जैसे मैंने 1, 2, 3 इस टाइप से लिखा और इसके अंदर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, और लाइक दिस ऐसे लिख दिया. नाउ नाउ दिस इज आल्सो एन एलिमेंट, दिस इज आल्सो ए सेट. तो सेट के अंदर खुद सेट भी हो सकते हैं. थोड़ा सा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. आपको क्लियर हो गया? आप और एग्जांपल्स बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं. मैं आपको असाइनमेंट वर्कशीट सेंड करूंगा, आपको वहां से उससे और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा. बहुत सिंपल है. नाउ लुक एट दिस इन सेट थ्योरी. इन दिस चैप्टर वी यूज मेनी टाइम्स ए सिंबल. हियर लुक एट दिस. नाउ दिस इज ए सिंबल, नथिंग मोर. और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, हमें छोटी क्लासेज में भी मिलता था, हमें 9th के अंदर स्टार्ट हो जाता है, बट वहाँ पर टीचर्स इसको इतना डिटेल में नहीं बताते, वहाँ पर सिंपली करते कुछ नहीं वैसे ही आया हुआ है वो चीज़, आप इसको मत करो आप लोग. बट इसका मीनिंग होता है दिस रिप्रेजेंट बिलोंग्स. और अगर आप इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग. ये जो पुट होता है ना, ये क्या है, हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, जब तो हम उसके लिए काफ़ी लैंग्वेज यूज करेंगे, एक उसको सिम्बोलिकल फॉर्म में लिख दें, और पहले से हम आपने आपको सिंबल डिफाइन कर दिया है तो सब पहले से मीनिंग हो जाएगा. जैसे आप इधर देख लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, इस कलेक्शन का नाम हमने ए रख दिया. और इसमें आपको पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर. अब कोई आपसे पूछ सकता है, एक तो देखो हम ऐसे बोलेंगे आपसे, एक तो हम ऐसे बोलेंगे कि किसी ने आपसे पूछा कि 2 इज ए मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन ऑन नाउ, तो आप लिख लें यस 2 इसको बिलोंग करता है, तो आप ऐसे लिखेंगे यस 2 इज ए मेंबर ऑफ कलेक्शन ए या सेट ए. बट आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है. अब सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 2 लिखें, पीछे के कलेक्शन लिखा और बीच में सिंबल पुट कर दिया, तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये तो पढ़ा जाएगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए. तो ये एक सिंबल है जो हमारा जो ना मिनिमाइज कर देगा लैंग्वेज को, हमें ज्यादा बोलने में वो वैसे ही आएगा, बट इसको हम ऐसे लिख देंगे. अब इफ समवन आस्क यू 1 बिलोंग टू दिस कलेक्शन और नॉट, तो आप कौन सा पता, आप लिखेंगे यस 1 बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन. आपको इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली ऐसे लिख दें 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स. नाउ
See some more examples to clear this. If someone give two collection or set like this, 1, 2, 3, जैसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि इसमें जो होना ए जो सेट है इसके अंदर देखो सेट के अंदर जब सेट लिखा होगा तो ये कंप्लीट सेट एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट होगा। ये तीन एलिमेंट ना होंगे, एक एलिमेंट का होगा सेट में। और जैसे भी 2 है 5 है 6 है तो ये अब जैसे आपसे कोई ये पूछता है 3 सेट ए के अंदर बिलोंग करता है या नहीं, तो जैसे आपको अब सिंपल पुट करना तो आप ये यहाँ पर belongs to पुट करेंगे या does not belongs to, हम यहाँ पर पुट करेंगे does not belongs to, because 3 जो है ना A set का एक element है, उसका अंदर set है जो खुद उसके अंदर एक element है, A का कोई element नहीं है 3। इनफैक्ट जो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक होल एक सिंगल एलिमेंट, इसको पार्टीशन नहीं कर सकते हम। क्लियर? जैसे ये 2 है, 2 बार भी प्रेजेंट है, यहाँ पे अंदर भी है, कोई आपसे 2 पूछे तो 2 belongs to A, yes, 2 belongs to A। But अब जैसे कोई आपसे पूछता है 1 belongs to A, तो 1 does not belongs to A। कोई अगर आपसे पूछता है 1, 2, 3 ऐसे लगा के और this belongs to A, yes, this belongs to A। But कोई अगर आपसे ये पूछता है 5, 5 के ऊपर ऐसे लिख दिया हमने 5 belongs to this belongs to A or does not belongs to A, तो ये true होगा नहीं, because देखो इसमें और इसमें difference है, this is an set, this is a number, understand? This is an set जिसका 5 एक element है और this is a number, different चीज है। Now 5 जो है ना वो element है, yes, this is true। But देखो अब ये तो एक set हो गया, ये element तो present है। अगर इस पे हम एक ब्रैकेट और लगा देते तो फिर तो ट्रू हो जाता, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आई। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने 6 पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, नाउ अब दिस इज नॉट जो इसका ए के अंदर जो ये 6 ऐसे लिखा हुआ इस टाइप से, ये नंबर नहीं है ना, एक सेट बन गया। अब अगर कोई मेरे से पूछता क्या 6 ए के अंदर है, तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे, बट 6 के ऊपर अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और अब पूछते हैं कि क्या ये ए के अंदर है, तो इसमें यस ये है इसके अंदर। तो क्लियर? आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगे मोर एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें और मोर क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको जो है ना सेट की डेफिनेशन बताई है, एग्जांपल्स बताए हैं और बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बताया है। अब नाउ आगे डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। नाउ वी यूज आल्सो सम स्टैंडर्ड नोटेशंस, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में नंबर थ्योरी आप पढ़ के आते हैं, बट उसकी जो सम स्टैंडर्ड कलेक्शंस हैं उनके लिए जो नोटेशंस बना रखे हैं एक बार वो रिवाइज करवा देते हैं। आप छोटी क्लासेज में 8th 9th में पढ़ लेते हैं सब, फिर भी एक बार 2 मिनट देख लेते हैं इसको। फर्स्ट कैपिटल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं जो काउंटिंग नंबर्स में बोलते हैं आप लोग को 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनकी जो कलेक्शन है उसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर कहीं पे अगर कोई आपको ऐसे लिखता है कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो अब आप लोगों को क्या होगा, एक तो आप देखो छोटी क्लासेज में 9th में 10th में इतना पूरा लिखते थे एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब सिंपली हम क्वेश्चंस में कहें कि हमें ये लिखना है कि यह ना एक्स एक नेचुरल नंबर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको इतना बड़ा लिखने की बजाय सिंपली जैसे कैपिटल एन का मतलब अंडरस्टूड होएगा कि नेचुरल नंबर्स है, और वहाँ पे हम ये लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर ऐसे लिखा हुआ कि एक्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर तो यहाँ पे क्रॉस कर दो। क्लियर? तो ये नोटेशन है, ये थॉट बुक में किसी कहीं पर कैपिटल एन आएगा तो नॉर्मली वैसे मेंशन होता है हियर कैपिटल एन रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Now, अगर आप इसमें 0 और ऐड कर दें इसी कलेक्शन में, बस एक एक्स्ट्रा लिमिट 0 डाल दें, तो उनको आप होल नंबर्स बोलते थे। हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे अभी आप छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दें कौन से नंबर्स होते थे वो।
Now integers, integers आप जैसे जानते हैं कि इनमें minus वाले numbers को add करते हो, minus one, minus two, minus three and so on including, तो इनको आप integers बोलते हैं। Rational numbers पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को इसमें हल्का फुल्का confusion होता है, तो थोड़ा सा clear भी हो जाएगा। Rational number, rational number कौन से numbers होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते थे, आप लोग पढ़ा होगा कि दो नंबर्स व्हिच कैन ड्रैग इन द फॉर्म ऑफ पी एट बाय क्यू फॉर्म, वेयर पी एट क्यू पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ बच्चे कहते हैं बस पी बाय क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो आप देखो मैं यहां पे सिर्फ मैं पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जैसे मैंने यहां इंटीजर्स के लिए जेड लिख दिया, तो मैं अब यहां पे सिंपली से लिखूंगा वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, मींस ये डेफिनेशन हो जाएगी। Those numbers which can be put in the form p by q, where p and q are integers, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Rational number। या 8th class में जो हमारे definition पढ़ लेते हैं कि rational number आप किसको बोलते हैं? Examples। जैसे अगर आपको कोई बोले sir 2 है, 2 rational है, yes 2 rational whole number है, लेकिन ये definition को भी clear करता है, because हम 2 के नीचे कुछ नहीं रहा, 1 put कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो 2 भी integer है, 1 भी integer है, और sorry एक condition और मान लेते हैं यहाँ पे, where q is not also equal to 0, जो q हो 0 नहीं होना चाहिए, denominator में 0 नहीं होना चाहिए, तो जैसे अब q upon 1 है, तो ये 1 0 भी नहीं है, तो ये इस form में लिखा जा सकता है, so it is a rational number, means every integer is a rational number, हर integer एक rational number होता है। अब जैसे कोई आपसे पूछता है, कुछ बच्चों को confusion होता है, 22 by 7 is a rational number or not? Yes, obviously this is a rational number, this is also belongs to q, बट कोई आपसे क्या पूछे पाई, आप पढ़ते हैं पाई एक रैशनल नंबर है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये तो रैशनल, तो यस ये रैशनल होगा, नहीं पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये एक रेशो होता है, 10th क्लास में जब सर्कल पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वहां पर लिखा हुआ है, आज तक भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें, ये पाई की इनफैक्ट क्या होती है, दिस इज द सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, not exact value, this is not exact, ये exact value नहीं होता है pi का, in fact ये एक आपका approx value होता है, इसके close, आज तक pi की exact value नहीं बताई गई है, pi की गई है, और इसका ये इसका approximate value है, आप जानते हैं ये ratio होता है circumference of any circle to its diameter, मतलब कोई भी एक सर्कल लेते हैं तो उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ है उसको उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो ये जो रेशियो है ना एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो ये जो है ना कांस्टेंट आया है लगभग, लेकिन आज तक इसका जो है ना अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, आज तक इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आया है, तो ये बस इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है एग्जैक्ट। ऐसे जैसे रूट टू है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए रैशनल नंबर, जैसे आप छोटे क्लासेज पढ़ के इसके बाद हम बारे में ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपने छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं, हमें आगे कोर्स भी करना है, ठीक है, तो क्लियर, दिस इज नॉट ए, देखो ये रैशनल नंबर है देयर इज नो डाउट, बट पाई इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, और लाइक पाई आगे चल के बताएंगे, लाइक पाई एक सिंबल और होता है ई, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.718, इसको जो है ना लॉगरिथम का चैप्टर आएगा, ये लॉग का चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे इसके बारे में, एक सिंबल और यूज करते हैं हम ई, जिसका वैल्यू ये होता है लॉग के चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे, जैसे पाई होता है हमारा ऐसे लॉगरिथम इक्वेशंस में लॉग के अंदर हम एक सिंबल यूज करते हैं ई, जिसका अप्रोक्स वैल्यू ये होता है, दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ सॉरी, अब जो इरेशनल की क्या डेफिनेशन है, इरेशनल आप जानते हैं जो रैशनल है उसको जैसे रूट टू है ऐसा हो जाता है, और जो इस टाइप के नंबर होते हैं डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग ये भी ऐसे बन जाते हैं, ये भी आपने जैसे 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है, जो रिपीटिंग वाले होते हैं जैसे 3 4 3 4 3 4 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनकी पी बाई क्यू फॉर्म आ सकती है आप पढ़ते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर में आते हैं, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ना जैसे 2 3 4 5 2 3 7 8 5 2 1 3 3 4 5 कभी कुछ आए एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या होते हैं रैशनल नंबर नहीं होते, आप जानते हैं ज्यादा डिटेल में आप लोग, ठीक है।
नाउ रियल, रियल में सारे आ जाते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी। इसमें तो ये आपके ये जितना भी आपने पढ़े रैशनल इरेशनल सारे आ जाएंगे, इसमें रूट वाले भी, विदाउट रूट वाले भी, डेसिमल वाले भी, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी सारे आ जाते हैं। और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल कैपिटल आर। जेड के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया मींस पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में ओनली जो पॉजिटिव है, ध्यान रहे पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता। कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई आपसे बोले ऐसा कोई नंबर है जो ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यस जीरो। जीरो को ना हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं, पॉजिटिव होता है जीरो से राइट साइड, जीरो से ग्रेटर, और नेगेटिव होते हैं जीरो से लेस, जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाए तो 1, 2, 3, 4 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, सेम बात है। नाउ पॉजिटिव रियल नंबर्स जो रियल में पॉजिटिव है उनका कलेक्शन। नाउ ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट एक चैप्टर जिसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है। हम अब तक सिर्फ जो ना रियल नंबर्स से रिलेटेड काम करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन आपको हम डिफाइन करेंगे, बट इसका नोटेशन सी है वो हम बाद में देख लेंगे। नाउ वी डिस्कस हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो सेट्स जो है नॉर्मली दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकेंड इज रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मली हम कलेक्शंस को करली ब्रैकेट्स, देखो हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे आप लोग, जनरली कलेक्शंस को ऐसे राइट करते थे, जैसे आपने ऐसे लिख दिया एलिमेंट्स लिख दिया, उनको कोमा से सेपरेट करके लिख दिया और एक करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ऐसे कलेक्शंस लिखते थे जनरली। देखो इस फॉर्मेट में जैसे छोटी क्लासेस में पढ़े हुए राइट, वी लाइक इस तरह से लिखते थे हम कलेक्शंस, बट हमारे लिए न्यू ये है इस तरह से। जैसे जो एलिमेंट्स हैं 7, 10, 13, 16, 19, अभी एक प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स में, प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, 7 में 3 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, दिस इज एन एपी, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, दिस इज एन एपी। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप एक डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, वो हम आपको बाद में कैसे लिखते हो लिखना सिखाएंगे, बट एक बार हम आपको जस्ट ये दो वे क्लियर कर रहे हैं कि दो तरह से हम कैसे लिखते हैं। एक बार इस एग्जांपल को देखें, जैसे यहाँ पर लिखा जाता जनरल एलिमेंट, मीन्स जो यहाँ पर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पर जैसे एक्स लिख दिया, तो इस कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन रहेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई लिखेंगे तो वाई की वैल्यू जो भी, और ये बीच में जो सिंबल होता है इसको हम सच दैट रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार से होगा, एक्स इज इक्वल टू 3n+4, मतलब एक्स का ये फॉर्मूला है, और हेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लेस देन और इक्वल टू 5, और एन को हमने यहाँ पर जो है लेस देन और इक्वल टू 5 लिखना, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन और नेचुरल नंबर लिख दिया। तो अब जैसे हम एक बात कहो, आप यहाँ पर पहले n को 1 डालेंगे तो 3 × 1 = 3 + 4 तो 7 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 आ गई, मींस एक तो 7 है इस कलेक्शन का एलिमेंट। फिर जब आप 2 डालेंगे तो 6 + 4 = 10, 3 डालेंगे तो 9 + 4 = 13, फिर 4 डालेंगे 12 + 4 = 16, फिर 5 डालेंगे 15 + 4 = 19, तो इसका मतलब इस कलेक्शन का और इस कलेक्शन का सेम मीनिंग है। तो इस तरह से लिखना, अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे ना, देखो ऐसे लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, बट इसमें एलिमेंट्स क्या है इस कलेक्शन में वो आपको तभी पता लगेगा जब आप लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हम आपको डिस्कस भी करवाएंगे कि इस फॉर्म से, इस फॉर्म से फॉर्म जाना तो बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल है, जो जो आपको कंडीशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस तरह से लिख दो,
बट इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म को सेटलमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, थोड़ी सी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली बस हम आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह से लिखने को जब कर्ली ब्रैकेट लगा के कोमा से सेपरेट करके आप एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ऐसे लिखने को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और इस तरह से लिखने को जैसे एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी है, कोई रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट फिक्स लॉ आप लोग जब इनको ऐसे राइट कर देते हैं तो इस टाइप से लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कलेक्शन में एलिमेंट्स क्या है वो आप लोग जो है ना जब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी पता लगेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे अब आपको यहां पे लिख दिया x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 है, तो 12 के फैक्टर आप जानते हैं कौन होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो आप इस कलेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने को हमें सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो, और ऐसे लिखेंगे तो हम इसको क्लस्टर फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली इस तरह से x सच दैट x इज इक्वल टू 1/3 की पावर है, x बिलोंग्स n बिलोंग्स टू w, w मींस होल नंबर्स, दिस मींस बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब n यहां पे एक होल नंबर चल रहा है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले आप 0 राइट करेंगे तो 1/3 की पावर 0, किसी की पावर जीरो करते तो 1/1 टैक्स की वैल्यू 1 आ गई, फिर आप 1 डालेंगे तो 1/3, 2 डालेंगे तो 1/9, 3 डालेंगे 1/27। तो नाउ अब यही कलेक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों सेम कलेक्शन है, बस इसको हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, तो ऐसे लिखना सेट बिल्डर फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, इस एक्स का रोल नहीं लगाते, समटाइम्स सीधा ही हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर आप एक्स लिखे, जैसे आपने एक दो एग्जाम्पल्स में देखे, जैसे हमने ऐसे लिख दिया 4n-3, यहाँ पे कोई एक्स नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसमें 4n-3 की वैल्यूज आएंगी, हमने एक्स का रोल लिया है डायरेक्टली, आप एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन में मतलब नेचुरल नंबर है और लेस देन और इक्वल टू 30, और 30 से ज्यादा इसको लेना है, मैक्सिमम अप टू 30 तक लेना है, तो पहले आप इसमें 1 डालें, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वैल्यू को 1 डालेंगे तो 4-3 होके 1 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2-3 होके 5 आ जाएगा, फिर 9 आएगा और ऐसे जाते जाएंगे लास्ट में, एंड सो बीच के लिए बटल करेंगे जरूरत नहीं, जब ज्यादा एलिमेंट्स हो तो रूल का ये होगा और लास्ट हो 30 हो डाल दो आप इसमें, 30 डाल दिया इसमें 1/7, 1/17, तो ये इस तरह से लिखा गया, ऐसे जैसे लिख दिया मैंने पी स्क्वायर सच दैट पी बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब इसमें क्या है, जैसे पी को पहले 0 डालो फिर 1 डालो 2 डालो, तो ये जैसे ये होल नंबर्स के स्क्वायर्स हो जाएंगे इसके अंदर देखा जाए तो एक टाइप से जैसे लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप सब जानते हैं वोवल सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के ए ई आई ओ यू, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये तो आप लोग आसानी से खुद कर लेंगे, बट अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे बनाएंगे इसकी हम प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है क्लियर। तो सेट्स को जो है नाम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, एक फॉर्म और होती है इंटरवल फॉर्म, थोड़ा सा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं आएगा। एक रिप्रेजेंटेशन और होती है इंटरवल फॉर्म, उसको हम जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे, वो आगे चल के आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, अभी हम इस एक्सरसाइज में दो ही फॉर्म करनी है, इंटरवल और आएंगे वो थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं हम कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स टू कन्वर्ट इज रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी सिंपल। देखो इसमें आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आपका लोअर क्लासेज में नॉलेज है, जैसे अगर आपको किसी को मान लीजिए किसी में किसी नंबर की पावर्स है, जैसे आपको 2 की पावर्स है, 2^1, 2^2, 4, 2^3, 8, 2^4, 16, मतलब पावर्स किसी भी नंबर्स की पावर्स वगैरह यूज हो रही है, किसी नंबर्स के फैक्टर्स या मल्टीपल्स यूज हो रहे हैं, या फिर आपको जनरली एपी वगैरह फॉर्म हुए, तो कोई ना कोई आपको रूल जरूर दिखाई देगा, तो आपको रूल आइडेंटिफाई करना है,
सिंपल सी रीजनिंग लगानी है, बाकी इसके बारे में हम जैसे जैसे सेट के अंदर पढ़ते जाएंगे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। स्टार्टिंग स्टेज के लिए इतना सफिशियंट है, मैं अब आपको बोरिंग कर दूँ कि काफ़ी टिपिकल एग्जाम्पल्स कर दूँ कोई बेनिफिट नहीं। आपके सिंपल बुक्स में पहले इतना ही है, ये भी वैसे भी बेसिक टूल है हमारा, तो ज़्यादा हम आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। सिंपली आपके जो एग्जाम्पल्स देखे बेसिक बुक्स में, जिससे पहले फर्स्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बनाओ सीधा फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपने पढ़ा है टेंथ क्लास में भी लेकर के आए हैं एपी का चैप्टर, तो इसमें सिक्स सिक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और जैसे आप लोग एपी में ये पढ़ते थे फॉर्मूला एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज ए कॉमन डिफरेंस। तो एक बार जरा इसकी आप लोग क्या करें यहां पर बताएं, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, हियर आपका ए वन है और डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस से निकालते थे, जैसे इसमें से इसको माइनस कर लो तो वो सिक्स का है। तो आप एन टर्म कैलकुलेट कर लें पहले इसका, कैसे जैसे ए एन क्या आ जाएगा देखते हैं एक बार, वन प्लस एक बार देखते जाए आप लोग, सिंपल है, एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिक्स एन माइनस सिक्स, तो ये सिक्स एन माइनस फाइव, तो एन टर्म वैसे तो जानते हैं, इधर टर्म आ गया। अब इसमें आप इनको वन डालेंगे, देखो वन डाल रहे हैं तो सिक्स माइनस फाइव वन फर्स्ट टर्म आ जाएगा, टू डालेंगे तो ट्वेल्व और माइनस फाइव सेवन आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एन को वेरी करते जाओ तो नंबर आते चले जाएंगे, तो पता लग गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे जैसे x such that, तो इसमें नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स को x रिप्रेजेंट करते, कोई आइडेंटिफाई y लिखते हैं x लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। x such that x is equal to ये लिख दो जो जनरल टर्म है 6n minus 5, और यहां पर n को क्या लिया आपने नेचुरल नंबर, और पीछे बाउंडेशन इसमें लगा रहे हैं क्योंकि अब इनफिनिटी तक है, तो अभी कोई इसमें जब 1 डालेंगे तो 6 माइनस फाइव वन, 2 डालेंगे तो 12 माइनस फाइव सेवन, 3 डालेंगे तो 18 माइनस फाइव 13, 4 डालेंगे तो 24 माइनस फाइव 19, ऐसे आते जाएंगे एंड सो ऐसे होगा कंप्लीट। बाकी आप यहाँ जो x लिखा था, आप अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसे लिख देता है ना कि x की बजाय यहाँ पे आप an ही लिख दें, और फिर ये लिख दें ए एन सच दैट कि ए एन इज इक्वल टू ये सिक्स एन माइनस फाइव और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ये भी ठीक है, जो भी थोड़ी एक्स लिखें तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स ए एन की वैल्यू जो जब इनको जब वन डालेंगे तो ए वन ए टू ए थ्री होंगे, तो मैंने यहाँ से वो चल गई इस कलेक्शन की। तो कोई आइडेंट फास्ट होंगे कि आपको इधर एक्स लिखना, आप एक्स लिखें वाई लिखें कुछ भी लिखें, बट अब इसको हम रिवर्स सॉल्व करेंगे तो ये यही आएगा। तो एपी वाले क्वेश्चन में से कर आप एन एक टर्म निकाल लो बस, और एन एक टर्म निकालने का आपको फॉर्मूला टेंथ क्लास से बताई है, ए प्लस में एन माइनस वन इन टू डी, ये ए फर्स्ट टर्म होता है डी कॉमन डिफरेंस, एन एक टर्म निकालो लिख दो बहुत वेरी इजी। अब जैसे ये है मान लीजिएगा सेम क्वेश्चन, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें लास्ट में नंबर लिख दिया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो गए, तो अब आप इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो बस इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा x such that x is equal to 6n minus 5 और n एक नेचुरल नंबर है, और आपको इसमें ये और लिखना पड़ेगा कि n की वैल्यू ऊपर की लिमिट सेट हो जाए, कहां तक ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्लास में ये पता करना हमने कि 213 कैसे आएगा, इनको क्या डालें, तो आप 6n minus 5 को ही जो है इसके बराबर कुछ कर लो, ये 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 218, 6 को उधर जाके डिवाइड कर लो 6 से हो जाएगा ये डिवाइड, मैंने शायद में भी कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लिख दिया है, 200 शायद रॉन्ग नंबर है, 6 डिवाइड नहीं होगा, एक बार सो ये नंबर नहीं आएगा, वही टर्म में आप यहाँ पर 270 लिख लो, सॉरी जैसे यहाँ पर ये 222 हो जाएगा, 270 लिखेंगे ना तो ये तो 222 हो जाएगा। अब 6 से आप डिवाइड करो तो 6 3 जा और फिर ये 4 6 क्या हो जाएगा 7 जा, मींस इसमें 37 टर्म्स है, तो लास्ट में आप लेस देन और इक्वल टू 37, जब लास्ट में आप 37 पुट करेंगे ना तो ये वाला नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, तो इस ऊपर मेरा बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट जैसे अभी के जैसे
इसमें आपको अगर पावर्स किसी को याद है तो पता लग जाएगा, रूट फाइंड करना बस। जैसे कि ये आपका 2 की पावर है, 1 को तो किसी भी पावर की जो लिख सकते हैं, यहाँ से देख लो 1 है 3, 2 की पावर 1 है, e2 की पावर 2 है, e2 की पावर 3 है, e2 की पावर 4 है। अब रूल बनाने के लिए हम 2 को 1 को 2 की पावर 0 लिख लेंगे, किसी की पावर 0 1 से 1 होता है, इसको 3 की पावर की जो लिख सकते हो, रूल बनाना था हमने बस। तो अब आसानी से आपको पता लग गया, आप ऐसे लिख दो x such that x is equal to 3 की पावर n such that n belongs to w। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर someone अगर कोई ऐसे लिखता है x such that x is equal to 3 की पावर n minus 1 और n belongs to natural number, तो उसका भी सही होगा, क्योंकि आपने यहाँ n minus 1 लिख दिया, अब n belongs to natural number लिख दिया, लेकिन आप जब 1 डालोगे तो 0 हो जाएगी 3 की पावर, sorry 2 की पावर। तो ये जैसे यहाँ पर वो डालेंगे आप लोग, तो ये ऐसे लिखे आप लोग या इस तरह से लिखे, यहाँ पे 2 होना था, सॉरी 2 की पावर सम देखिए, गलती से मैंने 3 लिख दिया था, तो 2 की पावर n n बिलोंग्स टू w लिखे, तो 0 से स्टार्ट हो गया, हम यहाँ पर n माइनस 1 लिखे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिख दें, तो दोनों का एक ही मतलब है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका लेक्सन की कलेक्शन सेम है, तो सब अलग अलग तरीके का लिखने का, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब्जेक्टिव यू आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग इसके ऊपर देखना चाहिए। अब यहाँ पे 5 की पावर से 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, एंड सो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is equal to 1 by 5 की पावर n और n belongs to natural number और n को less than or equal to 4 कि 4 है, 4 से बड़ी पावर है। अब कोई अगर इसको ऐसे लिख दे 1 by 5 की पावर n such that n belongs to natural number और n is less than or equal to 4, ये भी राइट है, आप x का रूल लिखना, तो आप ऐसे लिखिए कोई फर्क ना, तो अगर आपका किसी क्वेश्चन से नहीं ये अल्टरनेट साइन आए माइनस प्लस तो आप लोग क्या यूज करेंगे, देखो नंबर तो वही है 1, 7, 13, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है एपी वाली, बट ये एपी नहीं है, बट वैसे अल्टरनेट साइन आ गई है लेकिन एपी, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो है ना पता है इसका यूज करेंगे कि माइनस वन की पावर जो एन होता है ना इसका यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखें अगर पहले माइनस से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे वन डाल दिया हम क्योंकि, तो फिर अगर तो इसलिए हम इसमें से ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू, ये निकाला था अपने 6n-5, इस कंप्लीट के आगे एक मल्टीप्लाई में माइनस वन की पावर एन पुट कर देंगे बस, क्योंकि अब जैसे आप लोग इसमें एन को जब 1 डालेंगे तो माइनस आ जाएगा आगे फर्स्ट रो माइनस की, जब 2 डालेंगे तो माइनस प्लस प्लस का स्क्वायर होगा प्लस का हो जाएगा, 3 डालेंगे माइनस की टर्म आ जाएगी, बाकी टर्म्स तो वही हैं हमारे, तो जो एपी की टर्म निकाल के माइनस को नेगलेक्ट करके सिंपल लिख के और फिर उसके आगे माइनस की पावर एन पुट कर दो, बट अगर ऐसे होता पहले प्लस आता फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर आप लोग यहाँ पे माइनस वन की पावर या तो एन प्लस वन लिखें या एन माइनस वन लिखें, तो आप यहाँ पर फिर उस केस में माइनस वन की पावर एन प्लस वन लिखें, क्योंकि जब आप वन डालेंगे तो 2 पावर हो जाएगी और प्लस वन आ जाएगी पहली टर्म, ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं इस टाइप से। अब जैसे ये है अगर इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए तो ये 1 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, देखा जाए तो ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, लाइक दिस। तो एक टाइप से हम इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, ऊपर देखो पावर तो एक जैसा ही है लेकिन बेस में जो है ना 1, 3, 5, 7, 9, दिस इज ए व्हाट, दिस इज एन एपी, 1, 3, 5 जो है ना 7, 9, ये क्या है, एपी है, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन क्या आएगी 1 + n - 1 into d, आगे 2 हो गया तो आ जाएगा 1 + 2n - 2, तो ये 2n - 1 आ जाएगा आपका, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख देंगे x is equal to, अब ये देखो ये तो बेस की टर्म निकाली आपने जनरल, तो अभी के ऊपर पावर 2 चल रही है, तो आप लोग इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और यहां लिख दो n belongs to natural number बस इस टाइप से। ऐसे भी देखो जैसे अब ये मैंने इस तरह से नंबर लिख दिए, अब आप इधर-उधर सोचते रहेंगे, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी नजर ही ना आए, उसमें गैप भी नहीं ना किसी नंबर के पावर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन ये ना सारे 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे,
12 जो है ना उसके फैक्टर्स यही तो होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे x such that x is a positive factor of 12। तो क्लियर। तो ये हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, बाकी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम जो आगे सेट पढ़ेंगे, अभी हमारी शुरुआत है, तो इसमें हम ये इस टाइप के क्वेश्चन ही कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको इसकी असाइनमेंट में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट।